पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई को कांग्रेस ने राजनीति से प्रेरित बताया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संजीव भारद्वाज ने बताया कि पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में मेरे पुत्र सिद्धार्थ भारद्वाज की फर्म के साथ साथ हीरा तराशने वाले व्यापारी समेत अन्य के भी प्लॉट आवंटित किए गए थे। उन्होंने जहां प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया, वहीं उन्होंने कहा कि अदालत का जो फैसला आएगा वो सभी को मान्य होगा। पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है, इस बारे में बातचीत के हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संजीव भारद्वाज से। पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटन मामले में ईडी ने क्या कार्रवाई की है, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संजीव भारद्वाज, इनसे जानते हैं। जी भारद्वाज नमस्कार। ऐसा है, ये जो ईडी ने कंप्लेंट दायर की है सीबीआई कोर्ट के अंदर, ये मात्र एक राजनीति से प्रेरित केस है। और इस तरह के केसेस, जैसे इसमें मैं आपको बताऊं, मेरे बेटे की भी फर्म इसके अंदर इन्वॉल्व है। जब ये केस हुआ उस वक्त मैं इस पार्टी में भी नहीं था, ये था, लेकिन बार बार कहा जाता है इस फर्म के नाम 6-7 टीवी चैनल हमारे हैं जो हम चला रहे हैं, और 17 साल से तकरीबन हम किराए की बिल्डिंग में रहे हुए थे। आज इस केस के बारे में बार बार धार्मिक प्रचार, मौजूदा सरकार, सत्तारूढ़ सरकार, हुड्डा साहब के विरुद्ध, या जो जिनको प्लॉट आमंत्रित किए गए हैं उनके विरुद्ध कर रहे हैं। इसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये कोर्ट के अंदर मामला लंबित है। कोर्ट जो डिसीजन लेगी, अगर कोई कल्प्रिट होगा या वो होगी, तो कोर्ट उसको देखेगी, कोर्ट उसके बारे में निर्णय लेगी। आज कोर्ट में मामला लंबित होने की वजह से कुछ भी कहना वो ठीक नहीं होगा। बाकी ये है कि भाई राजनीति के अंदर आप देखें, आप छोटा सा पॉइंट है ये कि एक साल के अंदर ये इंडस्ट्रीज प्लॉट देने के बाद जिसको आवंटित हुए उनको एक साल के अंदर बिल्डिंग कंप्लीट करके उसमें काम शुरू करना था। लोगों ने वो बिल्डिंग कंप्लीट करके काम शुरू कर दिया। 2.25 साल बाद इसके अंदर कोर्ट के माध्यम से कोर्ट में केस रजिस्टर हुआ, सारी बात कोर्ट के अंदर कोर्ट के सामने संज्ञान में लाई गई। कोर्ट के अंदर अभी उसका निर्णय लंबित है। फिर भी ईडी ने या सरकार ने, मैं इस वक्त कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, जो कुछ करेगी कोर्ट करेगी, कोर्ट के डिसीजन को सबको मानने होगा। भारद्वाज जी, ईडी ने किन धाराओं के तहत कार्रवाई की है? ये धाराएं तो मुझे इतना ज्ञान अनिल जी नहीं है, लेकिन न्यूज़पेपर के माध्यम से 120B, 467, 420, 468 इस तरह की क्रिमिनल धाराओं के तहत ये केस रजिस्टर हुआ है। हमें समझ नहीं आता जिन्होंने दिए हैं या जिन्होंने लिए हैं, ऐसा कौन सा इतना बड़ा क्रिमिनल एक्ट हो गया जिस धाराओं में किया है। बाकी कोर्ट के संज्ञान में सारा मामला है। इस वक्त कोई भी चीज़ या कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, जो कोर्ट का निर्णय होगा सबको मान्य होगा। भारद्वाज जी, जिस तरह बताया आपने कि आप के बेटे को भी प्लाट मिला था, इसके अलावा और किस किस को प्लाट आवंटित किया गया था? देखिए, इसके अंदर प्लॉट, अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूं। हमारी टीवी चैनल की फर्म थी, 16 साल से हम रेंट पे थे हरियाणा के अंदर। इतने सेंट्रल गवर्नमेंट से टीवी चैनल जो आवंटित है, शायद वो 2-3 फर्मों में हमारी एक फर्म थी। फिर एक कर्नल दहिया है, उनको पद्मश्री या पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित है। वो 70 से
वो बड़ी उम्र के हैं, उनके बनाए हुए सेट, उन वो भी रेंट पे थे इससे पहले, उनके बनाए हुए सेट कारगिल के अंदर भी यूज हुए, मिलिट्री के अंदर भी जाते हैं। फिर एक प्लॉट आवंटित हुआ, मैं इसके न्यूज़पेपर के माध्यम से ये बता रहा हूँ, पीजीआई के डॉक्टर थे, उन्होंने हॉस्पिटल बनाना था। एक कोई फर्म है जिसने हीरे तराशने की फैक्ट्री इसके अंदर लगानी थी। तो मेरा मानना है, मेरी ये व्यक्तिगत राय है, मेरी पार्टी की नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है, जो कुछ भी हो रहा है ये 100% राजनीति से प्रेरित चीज़ें हो रही हैं। बाकी हमारी कोर्ट इतनी, मतलब इतनी कहें कि भाई इंटेलिजेंट हैं और इतनी समझदार सारी कोर्ट्स हैं, कहीं ना कहीं इसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ऐसी इस वक्त कोई बात बोलना जब कोर्ट में मामला लंबित हो, ठीक नहीं है। भारद्वाज जी, जो ईडी ने इस मामले में जिनको प्लाट आवंटित किए गए हैं, क्या आरोप लगाए गए हैं? आरोप तो मोटे तौर पे मैं क्या बताऊं, आपके माध्यम से और जितने भी न्यूज़पेपर हैं उनके माध्यम से सरकार ने ये कोशिश की है कि हुड्डा साहब ने, अब आप देखें ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है। यहाँ किसी से कोई ईडी ने 3 साल इसकी तहकीकात की है, मनी लॉन्ड्रिंग ना तो कोई पैसे का किसी से लेन देन हुआ है, ना कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके ये कहा जा सकता है इसको प्लॉट गलत दे दिया। अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता नहीं, फिर भी बना रहे हैं, तो ये तो अब ईडी वाले जाने और कोर्ट जाने जो कुछ डिसीजन होगा, मुझे क्या, सभी को मानने होगा। भारद्वाज जी, जो आपको प्लाट आवंटित किया है, क्या अब उस पर काम चल रहा है उस प्लाट में? ऑलरेडी वो पूरा बन चुका, क्योंकि इनके अंदर कंडीशंस थी कि 1 साल के अंदर बनाना है, 1 साल में वो बन गया। केस जो संज्ञान में, कोर्ट में जो ये इंक्वायरी मार्क हुई, संज्ञान में आया, वो तकरीबन 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आया। उसके बीच में 70% प्लॉटों में, मेरे समेत 70-80% प्लॉटों में, 70% में काम शुरू हो चुका था, काम शुरू है। उसके बाद आप बताएं कि प्लॉट की बात अलग है, जिन लोगों ने लोन लेके, जिन लोगों ने अपनी कंपनी का काम वहाँ शुरू किया है, इस एज में किया है, और ये सरप्लस लैंड थी, कोई ऐसे नहीं कि भाई ये कोई सीधे प्लॉट थे, ये थे वो, तो गवर्नमेंट और कोर्ट देखेंगे क्या है क्या नहीं, जो भी होगा सबको मानने होगा। उसमें तो मैं इस वक्त कोई बात बोलने के, मतलब अधिकार मेरे नहीं है कि मैं इस वक्त कोई बात बोलूं, जो होगा वो कोर्ट के माध्यम से ही होगा। ये थे मेरे साथ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता संजीव भारद्वाज। इन्होंने बताया कि पंचकुला इंडस्ट्रियल प्लाट आवंटन मामले में इनके पुत्र की फर्म के नाम भी एक प्लाट है। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जो ईडी ने कार्रवाई की है वो राजनीति से प्रेरित है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।